2022 उत्तरप्रदेश गोवा उत्तराखण्ड और मणिपुर विधानसभा भोटेर फलाफले 2024 इंगित। बृहस्पतिवार एमनई इंगित दिएछिलेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक दिन जेते ना जेते नाम ना करे प्रधानमंत्री के उत्तर दिलेन मुख्यमंत्री। ममता बंदोपाध्यायेर हुशियारी स्पष्ट। स्वप्न देखछे बिजेपी, 2024 तादेर स्वप्न पूरण होबे ना। बृहस्पतिवार स्पष्टभावे प्रधानमंत्री बोलेछेन आगामी दिनेও मानुष বিজেপির উপরে आस्था रखे। आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। शुक्रवार विधानसभा प्रधानमंत्री এই মন্তব্যের पाल्टा দিলেন বাংলার मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। मुख्यमंत्री বলেন ইলেকশন মেশিনারি কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং একনায়কতন্ত্রের জোরে কয়েকটা রাজ্য জিতে লাফাচ্ছে। আমরা বলি ডুগডুগি বাজালেও হবে না, আগামী ২ বছর বাদে আমি জানি আমি বেঁচে থাকব কিনা। বিজেপি হাম বড়াই ভাব দেখাচ্ছে, এখানে গো হারান হেরে লজ্জা নেই, বাজেট পর্যন্ত পড়তে দিচ্ছে না। শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তখন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিজেপি বিধায়করা, তুমুল হট্টগোল করে অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় তারা। বিধানসভার লবিতে বলে স্লোগান দিতে থাকেন শুভেন্দু অধিকারী। তার নেতৃত্বে অন্যান্য বিজেপি বিধায়করাও এই স্লোগান দেন। গেরুয়া শিবিরের এই প্রতিবাদকে ফ্লপ শো বলে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই, চিৎকার করে বেড়াচ্ছে, হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফ্লপ শো। নিজের ওয়ার্ডে জেতার ক্ষমতা নেই, ফ্লপ শো করে বেড়াচ্ছে। Four is a fixed for BJP and again Modi will be a prime minister. How do you see? देखो हम एक ही बात कहते हैं ना, आपका डेथ कम्स द डॉक्टर। ऐसा ऐसा चिल्ड्रन जन्म का पहले ही अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। अरे ऐसे हो अभी जन्म अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर लिया है। ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। लगता है ये यूपी का जैसे ये लोगों ने जीता इसमें उसका खतरा ही होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट्स टू फाइट बीजेपी दे मस्ट वर्क टुगेदर। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा कि कांग्रेस वाज अर्लियर दे कैप्चर्ड द ऑल ऑफ थ्रू आउट द कंट्री थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर लूजिंग दिस क्रेडिबिलिटी। सो देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल मस्ट बी वर्किंग टुगेदर और इसमें फैसला जरूर हो सकता है। BJP is in a way suggesting there is no opposition.